तारीख थी 8 अगस्त, जगह उज्जैन जिले का बड़नगर। रात के अंधकार में जब शहर सो चुका था, तभी किसी असामाजिक तत्व ने मंदिर में घुसकर शिवलिंग को तोड़ दिया। हंगामा हुआ, हिंदूवादी संगठनों ने चक्का जाम किया, दंगे का डर जागा। लेकिन जब इस मामले का खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हमारी खास पेशकश क्राइम सीन, जिसमें हम उस खुलासे की बात करेंगे जिसने सभी के होश उड़ा दिए। घटना 8 अगस्त की रात की है। बड़नगर इलाके में भाटपच लाना और रुनीजा के बीच 100 साल पुराने नवग्रह मंदिर में शिवलिंग उखाड़कर आरोपी अपने साथ ले गया था। दूसरे दिन इसका पता चलते ही क्षेत्र में तनाव फैल गया। हिंदूवादी संगठन और ग्रामीण सड़क पर उतर आए। वे चक्का जाम कर रोड पर बैठ गए। 7 दिन की मोहलत देते हुए ग्रामीणों ने जाम खोला था। शुरुआत में यह आशंका जताई जा रही थी कि ऐसा धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए किया गया है। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो मंदिर के पीछे फेंके गए शिवलिंग का टूटा हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित अवस्था में झाड़ियों में पड़ा था। इसे बरामद कर मंदिर में दोबारा स्थापना के लिए पुलिस ने इसे गांव वालों के सुपुर्द कर दिया। भाटपच लाना TI संजय वर्मा के मुताबिक मंदिर से 100 मीटर दूर मस्जिद के बाहर लगे CCTV कैमरे चेक करने पर एक संदिग्ध दिखा। फुटेज में नजर आया कि 8 अगस्त की रात 9:35 पर गांव रुनीजा में रहने वाला व्यक्ति मंदिर की तरफ जाता है और 10 मिनट बाद वही व्यक्ति वापस आता है। उसकी गतिविधि संदिग्ध होने पर उसे पकड़ा गया। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि 8 अगस्त को उसकी भतीजी ने आत्महत्या कर ली थी। वह रोजाना नवग्रह शिव मंदिर पर जल चढ़ाने जाती थी। इस कारण वह शिव मंदिर में गया और भगवान पर अपना क्रोध जताने लगा कि मेरी भतीजी रोज पूजा करती थी, गुस्से में उसने शिवलिंग को उखाड़ कर मंदिर के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया था। तो यह थी बड़नगर के 100 साल पुराने शिवलिंग की कहानी। इसी तरह की अन्य अपराध से जुड़ी कहानियों और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे क्राइम सीन में।